सर आपका नाम? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार जी ने देखिए 3 किलोवाट का पैनल लगवाया था जो कंप्लीट हो गया है, और आज मैं भी दिखाऊंगा वीडियो, उसमें आपको जो है पंखा भी एक चला के दिखा दिया गया है। बाकी ये कंप्लीट सेटअप पूरा देखिए, इसका वीडियो आपको मैंने शॉर्ट बनाया, मैं ऐड कर दूँगा। टोटल दिखा रहा है पूरा, कितने वोल्ट है, कितना इनपुट आउटपुट है, ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया। सर कैसे आपको ये ख्याल आया कि सोलर ज़रूरी है? ये काफ़ी दिनों से विचार चल रहा था इस पर लगाने के लिए, कि लाइट बचाया जाए और ख़ासकर बिल ज़्यादा आता है इसके लिए। ये प्लान 2 साल से चल रहा था, आज जाके पूरा हुआ। तो कितना आप सोच रहे हैं, आप कितना इसको यूज़ करके अपना खर्चा बचा सकते हैं बिजली का? लगभग 2-3 हज़ार बच सकते हैं। क्या पूरे घर का लोड एसी पे देंगे? हाँ, बड़ी चीज़ों को छोड़ के, बड़ी चीज़ें छोड़कर बाकी से छोड़ दीजिए, एसी है, बड़े कूलर इनको छोड़ के, बाकी सारा कुछ। बात तो सही है, 3 किलोवाट काफ़ी होता है, सफिशियंट है। एक घर अगर है, 2 मंजिला भी हो, 2 भाई भी रहते हो, 3 किलोवाट में आराम से 10-12 पंखे मिल के चला सकते हैं, अनगिनत LED बल्ब चला सकते हैं, यहाँ सब चीज़ें, TV चला सकते हैं, सबसे मेन चीज़ मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। काफ़ी दिनों से सोचा जा रहा था, लग गया जी। लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं ना कि 5 किलोवाट लगाएं कि 3 किलोवाट लगाएं, लेकिन एसी ना चलाना हो, पहले अपनी कैपेसिटी देख लें कितना लोड है। जी जी बिल्कुल, इसी के बाद ही हम तो लोड देखने के बाद ही लगाएं। जी जी जी, बिजली हमने चेक कराया, 3 किलोवाट देखा, इस हिसाब से हमने लगवा दिया। तो इसके लगाने के बाद अब आप एक तरह से निश्चिंत हो गए? 20 साल तक तो टेंशन थी कि अब लाइट बार बार जो है दौड़ना नहीं पड़ेगा बिजली का, ना भैया हमारा लाइट का तार निकल गया खंभे से छोड़ दो। सर 25 साल तो पैनल की गारंटी है। हाँ, सबसे ज़्यादा यही दौड़ रहा है तो पूरे टाइम। क्या आपको समझ में आया कि क्या ये काम चाचन कराया बढ़िया कराया? तो अब आपको क्या लग रहा है कि लाइट की दिक्कत एकदम दूर? कम से कम कुछ नहीं चाहिए तो प्लास्टिक का कूलर और पंखा तो घर में चलेगा ही। भाई ना लोहे वाला चल पाए, चलेगा तो एक ही या दो चल पाएगा। तो ठीक है सर, चलने दिया जाए। हाँ, इसको चलने दीजिए, बैटरी चार्ज होने दीजिए, बाकी आउटपुट का तो भी कोई वो नहीं, वो ऑटो कट है, वो बैटरी चार्ज होकर कट हो जाएगा। चार्जिंग आती रहेगी, ठीक है, बैटरी आपकी उसमें ऑटो कट है, बैटरी पूरी फुल चार्ज होकर वो कट कर देगा। बैटरी चार्ज हो जाएगा। हाँ हाँ, बैटरी चार्ज होती रहेगी। फ्रेंड्स, ये इलाहाबाद का भावापुर है और यहाँ पे देखिए ये 3 किलोवाट का पैनल लगा हुआ है, जो कि ये मोनो पैनल है, जो बायोफेशियल आजकल नाम दिया गया है, UTL का है ये, देखिए। और देखिए इसमें नीचे भी देखिए सेल दिए हुए हैं और ऊपर भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये दोनों साइड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ये 540 वाट का है ये। बाकी ये इसकी वायरिंग आप देख रहे होंगे, ये 3-3 का सीरीज़ बनाया गया है, 3-3 पैनल का, टोटल 6 पैनल है। अगर 550 वाट आप इंटू करेंगे टोटल 3300 वाट पड़ेगा, तो उसमें 3-3 का देखिए सीरीज़ बनाई गई है। ये देखिए जैसे हमारा ये है प्लस प्लस है, ये माइनस प्लस माइनस को, जैसे कि बैटरी सीरीज़ बनता है उसी तरह तीनों सीरीज़ चला है। यहाँ से ये हम माइनस को लेके वाया वायर 4 mm के तार से लेके चले हैं और इधर से प्लस लेके चले हैं, ठीक है। ये पूरी सीरीज़ को एक कर लिया गया है यहाँ से वहाँ तक, और यहाँ से प्लस, यहाँ से प्लस, वैसे ही सेम ऊपर के पैनल से प्रोसेस किया गया। देखिए एक वो कनेक्टर छोड़ा है, ये कनेक्टर लगा हुआ है, उधर से माइनस और इधर से प्लस लेके हम नीचे आ गए, इस वायर के थ्रू यहाँ पे आ गए। उसके बाद ये DC TV बॉक्स है, देखिए 2 वायर हमें, 2 सीरीज़ आई हैं, तो देखिए इसमें 2 MCV लगा हुआ है, दोनों में देखिए वायर ये इनपुट कर दिया गया है, और यहाँ से देखिए एक आउट निकला है, देखिए ये 10 mm का वायर जा रहा है, ठीक है। बाकी ये हमारा माइनस आ गया, ये दोनों माइनस करके, और ये देखिए ये यहाँ से माइनस ले लिया। अब ये वायर हम ले कर नीचे जा रहे हैं, और ये पूरा एकदम कंसील्ड कर दिया गया, बढ़िया पाइप उप लगा के, क्योंकि 25 साल वारंटी है, तो कोशिश यही रहती है कि ये बीच में कुछ प्रॉब्लम ना आए, तार को एकदम बढ़िया से पैक कर दिया गया। यहाँ से देखिए वायर नीचे आ गया हमारा, और यहाँ से इस रूम के अंदर गया, इधर से ये अंदर आ गया, यहाँ से देखिए ये हमारा वायर आ गया, और ये जो हमारे ऊपर सोलर का आया, देखिए यहाँ पे बैटरी इन, देखिए सोलर इन, प्लस माइनस, प्लस में प्लस गया, माइनस में माइनस गया, ठीक। उसके बाद उसके नीचे देखिए ये हमारा बैटरी का दिया हुआ प्लस और माइनस, ठीक है, वो हमारा देखिए बैटरी में चला गया।
बैटरी का जिसमें मैंने बताया था पूरा सीरीज में बना हुआ, प्लस को माइनस में माइनस को, फिर इस तरह से पूरी सीरीज बनी। बाकी उसके अलावा ये हमारा इन्वर्टर ऑन हो गया, इसका पूरा वीडियो है। मैंने इसके स्क्रीन को थोड़ा सा बढ़िया से मैंने पूरा रिकॉर्ड किया, इस टाइम इसको ऑफ कर दिया गया सिर्फ सोलर से, जो ऊपर देखिए वोल्ट आ रहा है 114 वोल्ट, क्योंकि इस टाइम देखिए 5:18 हो गए, धूप ख़त्म हो चुकी है, बहुत हल्की धूप है। बाकी पूरा हमारा सीरीज़ में देखिए बैटरी लगी हुई है, ये माइनस का प्लस हो गया, फिर उधर से हमने लिया इसका प्लस, इधर माइनस उधर, उधर से माइनस इसके प्लस में आ गया, फिर इसका देखिए यहाँ से ये हमारा देखिए माइनस है, ये इसके प्लस में आ गया। इस तरह से पूरी सीरीज़ बना के हमने 48 वोल्ट बना लिया, यहाँ से ये वायर हमारा निकला, ये माइनस चला गया, इधर से प्लस चला गया, चारों बैटरी से दो वायर एक प्लस एक माइनस उसको लगा दिया गया, ये हमारा देखिए ये कम्प्लीट हो गया। ठीक है, ये पैनल हमारा कम्प्लीट हो गया, बैटरी जुड़ गया। बाकी इसके नीचे देखिए ये आउटपुट का दिया हुआ है, ये देखिए ये हमारा दिया हुआ है, इसमें एसी आउट है, जिससे कि अपन फैन चला के देखा भी है। बाकी एसी इन, इसमें एसी भी दिया जाएगा, क्योंकि कभी अगर पैनल से आपकी पूरी लोड नहीं चल पाता तो थोड़ा बहुत आपका इलेक्ट्रिक करंट जो आपके गवर्नमेंट वाला कनेक्शन है उससे भी ले लेगा ये, और आपका काम नहीं रुकेगा, काम चलता रहेगा। तो ठीक है, उम्मीद है ये पूरा आपको वायरिंग पूरी सीरीज समझ में आ गई हो। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं मैसेज करके, कॉल करके। ओके, बाय।